Did you know India could have had its first investment bank in the 1960s? भारत में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का दौर काफी पहले शुरू हो चुका होता अगर तब की पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ी ज्यादा प्रोग्रेसिव रही होती। आज मैं आप सबसे श्री अजीत हट्टी सिंह के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो न सिर्फ पंडित नेहरू के भांजे थे बट ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन द वॉल स्ट्रीट। इन 1960s अ पेट्रियोटिक Ajeet Hutheesing returned to India to start India's first investment bank, but things didn't go as per his plan. His cousin Indira Gandhi ji decided to nationalize several Indian banks. Mr. Hutheesing returned to the US and joined International Finance Corporation as one of its youngest directors. अपने उत्तम करियर में उन्होंने दुनिया के दो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स को लीड किया और उसके बाद अपनी खुद की एक इन्वेस्टमेंट बैंक स्टार्ट करी। आज उनके जन्म दिवस पर मैं आप सबसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर उस वक्त भारत का पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा ज्यादा बेहतर होता तो क्या हमारा देश उन्नति में 30 साल आगे होता? दूसरा, इज दिस वन ऑफ द बिगेस्ट वेस्टेड अपॉर्चुनिटीज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? दैट माय फ्रेंड्स इज इंडिया इन अ मिनट। सी यू टुमारो।